ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर ग्राम कटार और बिलोरा बुजुर्ग में खुलेआम मुरम व रेत माफियाओं का आतंक है। प्रशासन की नाक के नीचे अधिकारियों से साठगांठ कर खुलेआम रेती और मुरम का अवैध उत्खनन जोरों पर है। ओंकारेश्वर के ग्राम कटार और बिलोरा बुजुर्ग में नर्मदा के तट पर खुलेआम रेती व मुरम का अवैध उत्खनन जोरों पर है। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। वहीं स्थानीय प्रशासन एक दूसरे विभाग की कार्यवाही बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारियों की मिलीभगत से ये गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। प्रशासन कार्यवाही के नाम पर साठगांठ कर धड़ल्ले से रेत बिकवा रहा है। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। इसको माइनिंग विभाग से हम सख्त कार्रवाई कराएंगे। माइनिंग विभाग को उसको सूचित करेंगे, दल गठित करके। हाँ, हमारा जारी है और साथ साथ में माइनिंग विभाग को भी हम उससे सूचना दे रहे हैं।